एक ईमानदार अवसर पर गाज गिराने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एम्स के एक डॉक्टर का भ्रष्टाचार जांच के लायक नहीं लगा। हर्षवर्धन ने एक निजी कॉलेज से फेवर लेने वाली डॉक्टर के खिलाफ जांच रुकवा दी और उन्हें क्लीन चिट दे दी। क्या है पूरा माजरा इस रिपोर्ट में देखिए। एक ईमानदार अफसर के साथ हुई ज्यादती के ये सबूत हम आपको दिखा चुके हैं। हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे एम्स के CBO संजीव चतुर्वेदी को उनके पद से आनन फानन में हटा दिया गया। हटाने का फैसला उसी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुखिया ने लिया जो चतुर्वेदी की नियुक्ति को सही ठहरा चुके हैं और उनकी ईमानदारी की दाद दे चुके हैं। दिल्ली के सियासी दल स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के फैसले पर सीधे सीधे उंगलियां उठा रहे हैं। ये डॉक्टर अमीनी कौन है? गुलाम नबी आजाद साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब इनके ऊपर इतने मेहरबान क्यों है? तो पता करने पे पता चला कि डॉक्टर अमीनी सुषमा स्वराज जी की डायबिटीज का इलाज कर रही है पिछले कई सालों से और उनकी डॉक्टर है और उनके काफी करीब है। तो इसका मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ऐसे ऑफिसर को बचाने की कोशिश की है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के और फ्रॉड के, उन्होंने फ्रॉड TA बिल्स भी लगाए थे, फ्रॉड के आरोप हैं और सीरियस आरोप हैं। एक ईमानदार अफसर की बलि लेने वाले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कैसे इसी एम्स के एक डॉक्टर को बचाने की कोशिश की है, अब जरा उसका भी सबूत देखिए। इन पन्नों में एक आरोपी डॉक्टर को बचाने की पूरी कहानी दर्ज है। वो डॉक्टर जिसे CBI ने शुरुआती जांच में दोषी ठहरा दिया था, लेकिन नए नवेले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। पूरा माजरा यूं है। एम्स की इंडोक्रोनोलॉजी विभाग की हेड डॉक्टर AC Amini 16 अगस्त 2010 से लेकर 20 अगस्त 2010 तक चेन्नई के एक निजी मेडिकल कॉलेज में बतौर MCI की प्रतिनिधि बनकर गयी। दौरे का मकसद MCI की तरफ से तफ्तीश करना था, लेकिन इस दौरान उनके रहने खाने और लोकल ट्रांसपोर्ट का इंतजाम उसी कॉलेज ने कराया जो कि कानूनन गलत था। एम्स के उस डॉक्टर की इस गड़बड़ी की खबर CBI तक भी पहुंची और उसने डॉक्टर को पहली नजर में दोषी भी माना। अब जरा MCI का ये दस्तावेज देखिए जिसमें एम्स प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर पर विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया है। लेकिन दिल्ली में सत्ता बदली और सत्ता बदलते ही आरोपी डॉक्टर की किस्मत की लॉटरी भी खुल गई। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री बने और कुर्सी संभालते ही उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया। एम्स निदेशक को लिखे खत में हर्षवर्धन की ओर से कहा गया, ये मानवीय भूल का मामला है। अगर एक महिला प्रतिनिधि दौरे के दौरान आने जाने और ठहरने के लिए सहायता लेती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मामले में पूरा ठीकरा MCI पर डाल दिया और जांच की जरूरत ही खत्म कर दी। क्या ये सही है? अपनी क्लीन इमेज के बदौलत डॉक्टर हर्षवर्धन को पार्टी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बतौर स्वास्थ्य मंत्री अगर इनके लिए गए दो निर्णयों पे अगर आप नजर डालें तो एक तरफ एक वैसे अधिकारी को उन्होंने पद विमुक्त कर दिया जो दो सालों के कार्यकाल में दर्जन भर से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा किया था, वहीं दूसरी तरफ एक आरोपी डॉक्टर को मानवीय भूल बताकर उन्हें आरोप से मुक्त कर दिया। अब आप निर्णय खुद ले लीजिए कि क्या वाकई वक्त आ गया है कि हर्षवर्धन के इमेज पे पुनः विचार किया जाए।